आज हम बनाने जा रहे हैं एक बढ़िया सी रेसिपी फिश की। चलिए आपके साथ उसको शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम डाल देंगे तेल, और तेल जो है अपने हिसाब से आप डालिएगा, क्योंकि फिश में ज़रा सा तेल ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो हम डाल देंगे तेल, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। जब ऑयल गर्म हो जाएगा फिर हम डालेंगे प्याज। आज हम तीन तरह से बनाएंगे फिश को, क्योंकि तीन तरह से इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारे घर में किसी को ग्रेवी वाली यानी कि सालन वाली किसी को पसंद है, किसी को फ्राई पसंद है, और किसी को इस तरह से पसंद है। तो आज हम तीन तरह से बनाएंगे। और ये जो हमारी प्याज जो है ऑयल में गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि उसको भी हम भून लें अच्छे से। तो ये हम डालेंगे अब इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं बनानी है, हमें थोड़ी सी बनानी है फिर। तो हम इसमें दो चम्मच डालेंगे, दो चम्मच अदरक लहसुन डाल करके आप इसको भून लीजिएगा। जब मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई तब हमने डाला अदरक लहसुन, अब इसको भी अच्छी तरह से आप भून लीजिएगा। और इसको जब हम भून जाएगा तब इसमें हम दूसरे मसाले इसमें ऐड करेंगे। देखिए अब इसमें डालेंगे हम दो मीडियम साइज के हमने टमाटर काटे हुए थे उसको हम डाल देंगे, और ये हमने डाली थी दो मीडियम साइज के टमाटर, हमने इसको काट लिया था। और काटने के बाद हम इसमें डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा गल जाए, और जो है ये अदरक लहसुन और ये जो प्याज है इसमें मिक्स हो जाए। और ये हमने काटी थी चार से पांच हरी मिर्ची थी, जिसको भी हमने काट ली थी मैं बारीक बारीक, और वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम फ्लेम अपनी स्लो कर देंगे, ताकि हमको ये टमाटर कुक करना है कि गल जाए अच्छे से, क्योंकि टमाटर जब गल जाएंगे तब हम डालेंगे इसमें ये सोया मेथी। ये सोया मेथी वही होता है जो आलूओं के साथ साथ बनता है, वो है ये सोया मेथी। ये सोया मेथी वाली फिश बहुत अच्छी लगती है, आप एक बार इंशाल्लाह पका के देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको। देखिए हमने इसको ज़रा सा इसमें डाला है पानी, अभी इसमें हमने सॉल्ट नहीं डाला है, नमक नहीं डाला है, अभी इसमें नमक हम नहीं डालेंगे, और हम थोड़ी देर के लिए इसको लीड लगा करके पकाएंगे, क्योंकि हमारे टमाटर और जो हरा मिर्चा है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। देखिए ये भून गए हैं अच्छा खासा कि आप अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये सोया मेथी, ये साग हम अपना डाल देंगे इसमें, और ढाल के इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए अच्छा से। ये देखिए इसका कच्चापन सारा निकल जाए, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए अच्छे से भून गए हैं, अभी इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे, फिर इसमें हम डालेंगे नमक। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर लीजिएगा। हम डालेंगे इसमें नमक, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें गरम मसाला और जीरा। ये फिश जितनी बनने में इजी है उससे ज़्यादा ये खाने में बहुत टेस्टी है।
ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे आप अचार टाइप का नहीं होता है, इस टाइप का बहुत अच्छी लगती है ये। बिल्कुल ड्राई होती है ना, इसमें ग्रेवी नहीं होती है, बिल्कुल ड्राई सी होती है और ये बहुत टेस्टी होती है। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे बिल्कुल हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे इसमें, बिल्कुल हाफ टी स्पून बस जीरा डालेंगे हम इसमें। और हम थोड़ा सा बंद लगाएंगे इसमें गरम मसाला, बस हमारी यही मसाले इसमें जाएंगे। इसको फिर हम अच्छे से भून लेंगे। ये थोड़ा सा हम हाफ टी स्पून डालेंगे हम इसमें गरम मसाला, बस थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला। और बस इसको हम अब हम डालेंगे इसमें फिश, और डाल के फिर इसको हम 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे ढक्कन लगा के लिड लगा के इसमें रख देंगे। इस तरह से हम इसको फिश को हम केले वाले को भी इसी टाइम आना है, जब हम वीडियो बनाएंगे अपनी तब सारे सामान बेचने वाले इसी टाइम आएंगे। और इस तरह से हम अब इसको हम कवर कर देंगे और धीमी की आंच में इसको हम पकने देंगे इस तरह से। अब ये पूरा इसको आप 10 मिनट के लिए इसको रख दीजिएगा, और 10 मिनट के बाद हम खोल के इसको देखेंगे कि ये कुक हुई है कि नहीं, क्योंकि फिश जो है बहुत जल्दी से गल जाती है, इसलिए इसको टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। जो आपका टाइम लगेगा वो आपके मसाले और साग जो है वो भूनने में लगेगा, और किसी चीज़ में टाइम नहीं लगेगा, फिश बहुत जल्दी से गल जाती है। देखिए हमारी फिश बिल्कुल तैयार है, ये देखिए इसको धीरे से चलाएंगे ताकि ये टूटे नहीं, और बिल्कुल तैयार है। ये देखिए देखिए ऑयल सब ऊपर आ गया है, अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे धीरे से इसको पलटेंगे ताकि ये टूटे नहीं, और ये बना के आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही है। और देखिए इस तरह से ऑयल बस ये सर्व करने के लिए तैयार है, अब बस ये डन हो गई। देखिए सेकेंड ऑफ टाइप मछली तैयार है, मछली फिश ये जो है देखिए दूसरी तरह से तैयार है ये फिश। आप इसको खाने के लिए इस तरह से फ्राई करके दूसरी तरह से ये मछली तैयार है, सर्व कर दी हमने। आप जो है हम बनाएंगे एक ग्रेवी वाली, घर में रह के सबके पसंद का बनाना पड़ता है, और बनाना भी चाहिए, अच्छा लगता है कि जिसको जो पसंद हो खाने में उसको उसी तरह का बना के देना चाहिए, इससे ये होता है कि आप भी खुश, घर में खाने वाले भी खुश, है ना। तो देखिए हम देसी वाली जो फिश करी बना रहे हैं वो इस तरह से बना रहे हैं, और इसकी रेसिपी हम पहले दे चुके हैं अपने चैनल पे, तो आप जाइए उसको देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए। और इस तरह से हम फर्द वाली ये भी बहुत टेस्टी बनती है करी के साथ फिश। देखिए अब तीसरी वाली करी हमने फिश करी मतलब मछली का सालन हमने तैयार कर दिया है, आप इसको आप ज़रूर बना के देखिएगा।
और ये मेरा बिल्कुल तैयार है, डन हो गया है सालन। इसमें डालेंगे हम हरा धनिया और ये बस रेडी है खाने के लिए। और आइए आप इंजॉय करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।